यहाँ इस क्षेत्र में अगर पवन सिंह आ जाए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ जाएं, तो तुम किन्हें देखना पसंद करोगे? तो इस चाय की दुकान में बेटा तुम क्या करते हो अभी? चाय बेचते हैं, मम्मी का हाथ बटाते हैं। तुम्हारे पापा जी क्या करते हैं? वो पोलदारी करते हैं। अच्छा, पोलदारी यानी कि जो जो बोझ उठाया जाता है। हाँ, बोझ उठाकर किसी गाड़ी पे लाता है। नमस्कार, फास्ट प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। हम आ चुके हैं जनपद कुशीनगर के रघुनाथपुर चौराहे पे, जो पड़ताल से पिपराइच मेन मार्ग है। आज हम यहीं से गुजर रहे थे तो एक ऐसा नन्हा सा प्यारा सा लड़का मिला। आइए उसकी हम दास्तां को सुनते हैं, उसकी दुख भरी कहानी को जानते हैं। यही चाय की दुकान पे चाय की दुकान है और मैं अचानक यही चाय पीने के लिए रुका। बात करते हैं बच्चे से और जानते हैं इसके अंदर की बात। क्या नाम है बेटा? मोहित। आओ बेटा। ये लड़का जो है यही रघुनाथपुर का ही निवासी है। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? मोहित। कहाँ रहते हो? रघुनाथपुर। तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? 8 साल। 8 साल के हो? तो ये बताओ बेटा, तुम प्रधानमंत्री जी का नाम जानते हो? अपने भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और भारत के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का क्या नाम है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। हाँ, योगी आदित्यनाथ। अच्छा बेटा, तुम किस जगह रहते हो? रघुनाथपुर। ये किस जिले में आता है? कुशीनगर। कुशीनगर में आता है। और एक किस विधानसभा में आता है? विधानसभा जानते हो? हाँ। किस विधानसभा में आता है? रामकोला। अच्छा, यानी कि बच्चे को पता है कि ये रामकोला विधानसभा है। अच्छा, यहाँ के विधायक जी को जानते हो? क्या नाम है उनका? रामानंद बौद्ध। जी हाँ, बच्चे को पता है कि ये हमारा विधानसभा जो रामकोला है, और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं जिनका नाम रामानंद बौद्ध जी है। तो बेटा ये बताओ, तुम्हारी क्या समस्या? अभी आके हमें बता रहे थे कि हमारा राशन कार्ड वगैरह, कैसा समस्या है? हमारा स्कूल का राशन नहीं मिल रहा है और मैं, हमारा राशन कार्ड गरीबी रेखा वाला है और हमें लाल कार्ड का चाहिए उसके लिए। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? टू। किस स्कूल में पढ़ते हो? प्राइमरी। अच्छा, तो किस क्लास में पढ़ते हो? टू। तो तुम्हें राशन नहीं मिला है अभी? हाँ। अभी तुम्हारा राशन कार्ड कौन सा है? गरीबी रेखा वाला। कौन सा है? उजर का। अच्छा, सफेद वाला है। हाँ, सफेद। तुम कौन सा राशन कार्ड बनवाने के लिए कोशिश कर रहे हो? लाल वाला। अच्छा, रेड वाला। हाँ। तो ये बताओ बेटा, ये रेड वाला और व्हाइट वाला, यानी कि लाल वाला सफेद वाले में क्या अंतर है? सफेद वाले में राशन कम मिलता है। हाँ। और लाल वाले में ज्यादा। अच्छा, यानी कि सफेद वाले में कम मिलता है और लाल वाले में ज्यादा। बेटा अब तो सब समाप्त हो रहा है और ये यूनिट के हिसाब से मिल रहा है, तो अभी तुम्हें क्या फर्क दिखा है लाल और सफेद में? सफेद वाले में 1 किलो चना, 1 किलो सरफ। नहीं, ये सफेद वाले में मिलता है? नहीं, लाल वाले में। अच्छा, 1 किलो चना, 1 किलो 1 किलो सरफ, 1 किलो 1 किलो चीनी और 1 किलो और पूरा और प्लस राशन। अच्छा, यानी कि बच्चे को पता है कि रेड वाले जो लाल अंत्योदय कार्ड है, उसमें लाभार्थियों को चना और सरकार द्वारा जो अभी जारी की गई थी चीनी चना और जो भी बच्चा बताया अपने अकॉर्डिंग जो समझ में आई है, तो इससे इनको पता चला कि लाल वाला जो राशन कार्ड है अंत्योदय कार्ड, उसमें लाभ ज़्यादा मिलता है। तो बेटा ये बताओ, तुम कितने भाई बहन हो? हम दो भाई हैं और एक बहन। अच्छा, तो ये बताओ बेटा, तुम्हारे पापा जी क्या करते हैं? वो
वो पोलदारी करते हैं। अच्छा पोलदारी यानी कि जो जो बोझ उठाया जाता है। बोझ उठाकर किसी गाड़ी पे लाना जाता है। अच्छा तो बेटा ये बताओ कि तुम इस चाय की दुकान किसकी है दुकान? मेरी माँ का। यानी कि तुम्हारा ये दुकान है, तुम्हारी मम्मी यहाँ रहती हैं। तो इस चाय की दुकान में बेटा तुम क्या करते हो अभी? चाय बेचते हैं, मम्मी का हाथ बटाते हैं। अच्छा तुम इस दुकान पे मम्मी का हाथ बटाते हो। तुम्हारे उम्र के बच्चे बहुत सारे घूमते हैं खेलते हैं, कभी तुम्हारी इच्छा करती है घूमने के लिए? नहीं। क्यों? यानी कि बच्चे को अभी वक्त नहीं मिलता है। तो क्या इस पे मम्मी पापा बाध्य करते, मैंने एकदम कहते हैं तुम्हें काम करना है चाय की दुकान पे, ऐसा कुछ कहा जाता है? नहीं। तो फिर तुम क्यों करते हो? क्योंकि मुझे काम करने में मन लगता है। तो ये बताओ बेटा पढ़ते कब हो तुम? शाम को पढ़ते हो। तो ये बताओ बेटा ये बताओ कि तुम्हारे फिल्म वोल्म देखते हो? हाँ। तो तुम्हारा सबसे फेवरेट हीरो कौन है? पवन सिंह। काफी अच्छा है, बच्चा फिल्म भी देखता है और इसके फेवरेट हीरो पवन सिंह है। तो ये बताओ बेटा कि पवन सिंह जी का कोई एक्ट यानी कि कोई डायलॉग जानते हो? हाँ। सुनाना चाहोगे मेरे दर्शकों को? हाँ। सुना दो। दुश्मने कोई गोलियों से हम मरा नहीं करते, शिव के दीवाने हम किसी से डरा नहीं करते। वाह काफी अच्छा डायलॉग रहा जो पवन सिंह का, पवन सिंह का काफी फेमस डायलॉग्स रहा। ये बताओ बेटा अगर यहाँ इस क्षेत्र में अगर पवन सिंह आ जाए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ जाए तो तुम किन्हें देखना पसंद करोगे? दोनों को। अच्छा चलो ठीक है, दोनों को। लड़का समझदार है और दोनों यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और पवन सिंह जो भोजपुरी के फिल्म स्टार हैं, दोनों लोगों को सम्मान का दर्जा देना इसकी स्वाभाविकता है। लेकिन बेटा एक सवाल और तुम्हारे सामने बहुत बड़ी समस्या है, अगर दोनों पवन सिंह और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक ही समय आते हैं और पवन सिंह पड़तावल में आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री पिपराइज में आते हैं और दोनों एक ही समय आते हैं तो तुम किसे देखना पसंद करोगे? योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहोगे? अच्छा योगी आदित्यनाथ जी को कभी तुम देखे हो? नहीं। तो कैसे उन्हें पहचानो, कभी नहीं देखे हो? न्यूज में देखे हो। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कैसे हैं? उनके सर पे बाल नहीं है और दाढ़ी भी नहीं है। अच्छा बाल भी नहीं है और दाढ़ी भी नहीं है जी। बच्चा माननीय मुख्यमंत्री को सकल से पहचानता है। तो बेटा एक सवाल और बताओ, अपने भारत के गृह मंत्री जी का क्या नाम है? अमित शाह। अच्छा तो अमित शाह जी को कभी तुम देखे हो, कैसे दिखते हैं? वो मोटे से है। हाँ। और खा खा खन और गुंडे जैसे लगते हैं। अच्छा नहीं बेटा बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ और चलिए बच्चा है तो ये बताओ बेटा कि तुम अभी तक तो ये सारी बता दिए लेकिन तुम्हारे मन में क्या है, तुम पढ़ के क्या बनना चाहोगे? पत्रकार बनना चाहोगे। आखिर क्यों पत्रकार बनना चाहोगे, इसके पीछे क्या राज है? सच्चाई को सामने लाने। अच्छा तुम सच्चाई को सामने दिखाने के लिए पत्रकार बनना चाहोगे। अच्छा ये बताओ अभी तक तुम्हारे चैनल न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ टीवी पे? हाँ। कौन सा न्यूज़ देखते हो बेटा? NDTV, आज तक, ABP। अच्छा NDTV, आज तक और ABP न्यूज़ देखता है बच्चा और इसके मन में है कि हम बड़े होकर पढ़ लिख कर एक पत्रकार बनेंगे और सच को जनता के सामने परोसने का काम करेंगे। तो बेटा ये बताओ तुम्हारे अभी तक जो भी न्यूज़ देखे हो इसमें सबसे फेवरेट किस पत्रकारिता, किनकी पत्रकारिता को तुम ज़्यादा महत्व देते हो? NDTV। पत्रकार का नाम जानते हो जो जिनको तुम पसंद करते हो, क्या नाम है उनका? रवीश कुमार। यानी रवीश कुमार। तो बेटा ये बताओ कि
तुम यहाँ के अगर विधायक जी से कभी मिलते हो, अगर विधायक जी तुम्हारे पास आते इस तुम्हारे चाय की दुकान पे, तो विधायक जी से क्या समस्या बताओगे, क्या कहोगे? हमारे स्कूल का राशन नहीं मिलता है, हमारा राशन कार्ड वाइट वाला है, हमें लाल वाला रेड वाला चाहिए। और कोई समस्या नहीं बताओगे? और क्या समस्या बताओ। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी जल्दी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक माननीय रामानंद बौद्ध जी से मुलाकात कराऊंगा, और मौका मिला तो मैं सुपरस्टार भोजपुरी के पवन सिंह से भी तुम्हारी मैं मुलाकात करवाने की कोशिश करूंगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तुम्हारे इस न्यूज़ को देखेंगे और एक बार ज़रूर ये अवसर प्राप्त होगा कि तुमसे वो मुलाकात करें। अब बेटा एक बात और ये बताओ कि कभी तुम बतासा यानी कि मनोज टाइगर बतासा जी को जानते हो? हाँ, भोजपुरी फिल्म में एक कॉमेडी लेते हैं। अब बतासा जी को जानते हो? हाँ। तो उनका डायलॉग्स कुछ याद है तुम्हें? नहीं, नहीं। अच्छा, बतासा जी कैसे दिखते हैं? पतले हैं मोटे हैं? पतले हैं या मोटे हैं? छोटे हैं। छोटे हैं। वो किस तरह का काम करते हैं? उनका कोई फिल्म बोलो तुम्हें याद है जिस फिल्म में वो काम किए हो? कोई फिल्म याद कर लो, कोई फिल्म बताओ। अच्छा चलो ठीक है। बच्चा चूंकि माइंड पे प्रेशर लगा के तब बोल रहा है। तो ये बताओ बेटा कि निरहुआ जी को जानते हो? हाँ। तो वो कैसे हीरो हैं? कॉमेडी वाले। निरहुआ जी कॉमेडी करते हैं? हाँ सही बात है, निरहुआ जी बहुत सारी पिक्चरों में कॉमेडी के रूप में नजर आते हैं, काफी अच्छी फिल्म उनकी आती है। कभी उनकी फिल्म देखते हो? हाँ। तो पवन सिंह और निरहुआ में किनको तुम ज्यादा पसंद करते हो? पवन सिंह को तुम ज्यादा पसंद करते हो। तो फिर एक बार लास्ट में एक बार पवन सिंह का कोई डायलॉग हो तो प्लीज बताओ। हाँ। बताओ। हम बनारसी है गुरु, हम पर महादेव का साया है, हमारे लिए महादेव ही सब कुछ है, बाकी सब मोह माया है। हम बनारसी है गुरु, हम पर महादेव का साया है, हमारे लिए महादेव ही सब कुछ है, बाकी सब मोह माया है। तो बहुत अच्छा लगा आज इस बच्चे से हमें मिलकर। जैसे कि हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो अचानक इनकी चाय की दुकान पर हम लोग चाय पीने के लिए रुके, लेकिन बच्चा आते ही जान गया कि हम लोग मीडिया से हैं। बच्चा आकर अपनी दास्तान हम लोग से सुनाने लगा, रेड कार्ड वाइट कार्ड को लेके। हमने काफ़ी अच्छा लगा, हम सोचे कि आपके सामने इसको प्रस्तुत किया जाए। और कभी भी अगर आप परतावल से पिपराइज जाते हैं तो ठीक रघुनाथपुर चौराहे पे इस बच्चे की दुकान है, एक बार ज़रूर इस बच्चे से मिलें और इसकी दास्तान को सुने। धन्यवाद।